कल हम लोग तीन पार्ट को शुरू किए जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे और आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 शुरू करेंगे। प्रश्नावली 3.1 में टोटल 7 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 7 प्रश्न हैं और 7 प्रश्नों में से आज हम पढ़ेंगे 3 प्रश्नों को और बचे हुए 4 प्रश्न कल पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके पहले सवाल पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला सवाल है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो माप दे रहा है, एक दे रहा है डिग्री माप और एक है रेडियन माप। ठीक है, अब डिग्री माप क्या होता है, रेडियन माप क्या होता है, पहले इसको समझिए। आप लोग कल मान लिखे थे कि साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ऐसे करके 6 फलनों के मान को आप लोगों ने लिखा था। उसमें जो सबसे ऊपर वाला जो लाइन था, उस जो डिग्री वाला, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डिग्री में देख रहे हो, ये सब डिग्री है, इसको डिग्री माप कहते हैं। कौन माप कहते हैं? डिग्री माप। और इसी को, इसको कहते हैं रेडियन माप। जब पाई के रूप में इसको लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है? रेडियन माप कहलाता है, RAD, शॉर्ट फॉर्म में RAD कहा जाता है, RADIAN होता है, रेडियन मेजर। तो अगर किसी भी अंक को हम पाई के रूप में लिखते हैं तो उसे हम रेडियन माप कहते हैं। अगर किसी भी मान को हम डिग्री के रूप में लिखते हैं तो वो डिग्री माप कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें आपको सवाल दो तरह से दिए जाएंगे। पहला सवाल होगा कि जो डिग्री है उसे रेडियन में बदलिए और जो रेडियन है उसे डिग्री में बदलिए। और कल आप लोगों को ये बताया गया था कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है? और उसी का काम आपको इस चैप्टर को बनाने में पड़ेगा। तो पहला जो सवाल है वो आपको डिग्री में दे रहा है रेडियन में बदलना है, और दूसरा सवाल रेडियन में दे रहा है आपको उसे डिग्री में बदलना है। तो चलिए समझते हैं उसको। हमारा पहला सवाल है 25 डिग्री। किताब में देखेंगे पहला सवाल क्या है, 25 डिग्री को किसमें बदलना है? रेडियन में। डिग्री से किसमें बदलना है? रेडियन में। तो 25 डिग्री का रेडियन माप, 25 डिग्री का लिखेंगे 25 डिग्री गुणे पाई बटा 180। याद रखेंगे अगर किसी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो उसे पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं, पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं। अगर किसी रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो इसका उल्टा 180 बटा पाई से गुणा कर देते हैं। सिंपल सा याद रखना है, पहला अगर डिग्री में है, किसमें है, और उसे रेडियन में बदलना है तो गुणा करना है पाई बटा 180 से। अगर रेडियन में है उसे डिग्री में बदलना है तो गुणा करेंगे 180 बटा पाई से। समझ पा रहे हैं बात को? कोई दिक्कत इसमें? और इसी दो तरीके पे आपका पहला और दूसरा सवाल बनेगा। तो इसके पहले सवाल को हम बनाते हैं। ठीक है, पहले सवाल में हमने 25 डिग्री में किससे गुणा कर दिया है? पाई बटे 180 डिग्री से। और इसे हम क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसे क्या करेंगे? कटाएंगे तो 50, हाँ ये 5 से कटाएंगे तो 36 पचे 180 होता है। 36 पचे, मान लीजिए कि 5 से भाग दे दीजिए 180 में, 5 × 3 = 15 का 5 होता है तो 15 होता है। 18 से 15 कटाएंगे तो कितना आएगा?
तीन अजीरो उतार देंगे, पाँच छः कट जाएगा, कितने मर्त में? 36 मर्त में, तो ऊपर हो गया पाँच है, नीचे क्या हो गया? तो जब पाँच से पाई में गुणा होगा तो क्या होगा? बटा में, राष्ट्र में क्या लिख देना है? रेडियन। यानी कि देखिए पहले डिग्री के रूप में था, अब किस में बदल गया? पाई के रूप में बदल गया, मतलब रेडियन के रूप में बदल गया। जब पाई आ गया तो समझ जाओ कि वो क्या है, रेडियन है। क्या है? कोई भारी है क्या? इस टाइप का सॉल्व बन जाएगा। ठीक, इसका दूसरा समझेंगे। ये दो नंबर थोड़ा सा हट के, बस एक दो नंबर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। -47°30', देखिए कैसे पढ़ते हैं। -47°, इसको डिग्री पढ़ते हैं, और 30 इसको मिनट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अगर दो गो रहता तो सेकंड, एक है तो मिनट, दो होता तो सेकंड पढ़ा जाता है त्रिकोणमिति के लैंग्वेज में। से तो यहाँ पे दो तो नहीं, यहाँ पे क्या गो है? एक है, तो मिनट है। ये क्या है? मिनट है। अब ये छोड़ दीजिए डिग्री और मिनट, सिंपल सा बात इतना ही जान लीजिए कि एक घंटा में एक डिग्री होता है। एक घंटा में कितना डिग्री होता है? एक डिग्री होता है। कैसे होता है? चलिए आपको फिगर पे समझाते हैं। घड़ी आप लोगों ने देखा होगा, सपोज दैट, मान लीजिए कि ये क्या है? घड़ी है। ये इसका केंद्र हो गया बीच में, जहाँ पे सुई का केंद्र होता है। घड़ी में तीन सुइयाँ होती हैं, सेकेंड, मिनट और घंटे का, होता है ना? अगर घंटे की सुई को एक घंटा होना है, घंटे की सुई को एक घंटा होना है, तो बताइए मिनट की सुई को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? एक चक्कर लगाना पड़ेगा। अरे एक बार मिनट की सुई पूरा पूरा घूम जाएगी तो 60 मिनट नहीं हो जाएगा? और 60 मिनट में कितना घंटा होता है? एक बार ना घूमना पड़ेगा। तो एक बार घूम गई, तो कहने का अर्थ है कि एक बार जब घूमी तो उसे अपने भाषा में कहेगी एक डिग्री। यानी कि 60 मिनट अगर रहेगी, जैसे मिनट की सुई है, 60 मिनट में पूरा चक्कर मारती है, हैं? तो बताओ 30 मिनट में कितना चक्कर मारेगी? आधे ना मारेगी? आधे ना जाएगी जी, ऊपर जाएगी। 30 मिनट आधा घंटा, तो आधा घंटा का अर्थ क्या होगा? ये मिनट की जो सुई है वो यहाँ से यहाँ तक आ सकती है, अगर चाहे यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ जा सकती है। पूरा पूरा घूमेगी? आधा घंटे में घूमेगी जी? आधा घंटे में नहीं घूमेगी। तो आधा घंटा कहा जाता है 1/2। क्या कहा जाता है? 1/2 का अर्थ है एक घंटा का आधा। एक घंटा का आधा कितना होता है? 30 मिनट ना होता है, होता है ना? तो ये हो जाए, अगर आपसे कहा जाए कि 30 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो कहेंगे 1/2 डिग्री होगा। कैसे? तो कहेंगे एक घंटा का आधा होता है 30 मिनट, और एक घंटे में होता है 1 डिग्री, तो आधा घंटे में होगा आधा डिग्री। एक घंटे में 1 डिग्री, तो आधा घंटे में आधा डिग्री। 2 घंटे में 2 डिग्री, 3 घंटे में 3 डिग्री। समझ पा रहे हो ना बात को? उसका काम पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 47 डिग्री पूरा पूरा है, लेकिन ये 30 मिनट है। क्या है? 30 मिनट है। अब इस मिनट को भी हम डिग्री में बदल देंगे। मिनट को भी किसमें बदल देंगे? क्योंकि एक जैसा हो जाएगा तभी कोई सवाल बनाइएगा, क्योंकि डिग्री को आपको बदलना है रेडियन में। डिग्री को किसमें बदलना है? तो डिग्री को रेडियन में तभी बदल सकते हैं जब सब का सब डिग्री में हो। अब एक मिनट में तो उसको चेंज करने में आपको परेशानी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? -27 डिग्री और उसमें 30 मिनट की जगह लिख देंगे 1/2। क्या लिख देंगे? और दोनों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। भिन्न का जोड़ आता है ना, 47 के 1/2 में कुछ नहीं है तो क्या है? एक और दो का लघुत्तम 2 होगा ना, हाँ? भिन्न का जोड़ सही नहीं होता है? अब 47 से 2 में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो -47 × 2, तो माइनस का माइनस, और 2 × 7 = 14 के हर्षिल, और 2 × 4 = 8, तो -94 आ गया, और ऊपर 1 है तो 1 उतार दिया। कोई दिक्कत इसमें?
अब बटा में 2 का 2। अब बताइए 194 कभी घटेगा क्या? इस 194 कभी घटेगा तो क्या आएगा? -93/2। तो ये तो डिग्री में आ गया, किस में आ गया? अब इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? पाई बटे 180। अब जो जैसे कटने वाला उसको क्या करेंगे, कटा देते हैं। तो देख लीजिए कैसे कटेगा। सबसे पहले मान लीजिए हम 3 से कटाते हैं इसको, तो 31 तिहाई कितना होगा? 93। 31 तिहाई 93। अरे 30 तिहाई 9 बहुत 31 तिहाई 93 नहीं हो जाएगा? भाग करके दिखा दें। 31 तिहाई 93, 3 से कटा है ये। अब 3 से इसको कटाइए, 3 6 तो 60 आएगा। तो ऊपर 31 बटा में, तो 60 में 2 से गुणा होगा, तो ऊपर आ गया -31 पाई, -31 अब बटा में 120 डिग्री रेडियन। कोई दिक्कत? वैसे हम कटाए नहीं है, जब उतारिएगा ना तो आप लोग कटा लीजिएगा, चाहे कटा के हम दिखा देंगे, ठीक है ना। बस क्या करना है, इसको ऊपर 31 लिखना है, नीचे 60 लिखना है। 31 में जब पाई से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 31 पाई हो जाएगा। माइनस तो पहले से इसमें है ही, अब बटा में 60 × 120 डिग्री आपका आ जाएगा। तो इस तरह आपका 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, -31 पाई / 120 रेडियन। समझ गए बात को? अब तीसरा सवाल इसका, तीसरा है 240 डिग्री का रेडियन माप, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे? तो गुणा कर देंगे, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4π/3 रेडियन। बस कटाना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कैसे कटा दोगे देख लो, ये 0 से 0 कट जाएगा। आइए देखिए, 6 चौका और 6 3 तो ऊपर 4π/3 रेडियन नहीं हो जाएगा, तो कटा लीजिएगा अपने से। इसी तरह 4 नंबर, 520 का रेडियन निकालना है, तो 520 में किससे गुणा कर दिए हैं, π/100 तो 0 से 0 आप फिर इसको कटा दीजिए, 26 दूना तो ऊपर 26π/9 हो जाएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए। कटाने वाला काम आप लोग कर लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है ना। अब आइए सवाल नंबर 2 को समझा जाए। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित रेडियन माप को, कौन माप को, डिग्री माप में बदलिए। वो तो डिग्री माप था तो रेडियन में बदल दी, अब रेडियन में दे रहा है, इसको किस में बदलना है, डिग्री माप में बदलना है, ठीक है। थोड़ा सा उससे ये लंबा होगा, बट ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे पहला सवाल है 11/16 का डिग्री माप, 11/16 का डिग्री माप कैसे निकालेंगे, मतलब 11/16 को डिग्री में कैसे बदल देंगे। डिग्री में जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 10/4, 10/4 इसका डिग्री कितना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका सीखिए। 11/16 का डिग्री माप लिख करके 11/16 में किससे गुणा कर देंगे, उल्टा हो गया है ना, पहले था π/180, अब कितना है, 180/π। अब पाई का जो मान रखना है, यहाँ पे हम 22/7 रखेंगे, 180 डिग्री नहीं रखेंगे। अगर 180 यहाँ पे रख देंगे ना, यहाँ पे, तो 180 से 180 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर 11/ क्या आ जाएगा, तो फिर तो सवाल बना नहीं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, ठीक है ना। तो 22/7 रखेंगे तो 11/16 का 11/16, 180 का 180 बटा में पाई का मान 22/7। अब देखिए 180 के बटा में है 22/7, ये डबल बटा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को 10th क्लास से ही बताया जाता है कि डबल बटा हो तो नीचे से कहाँ चला जाता है, ऊपर जाके गुणा में चला जाता है, जब डबल बटा हो तब। तो ये 7 जो नीचे ऊपर जाएगा 180 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देख लीजिए 11/16 का 11/ 180 में किससे गुणा हो गया है, अब बटा में 22 का। अब कटाने वाले को क्या करेंगे, कटाएंगे, कैसे कटाएंगे, तो देखिए 11 दूना होता है ना,
ठीक है, 200 इसको कटाइए, इसको नहीं इसको कटाते हैं, 90 दूना 180 हो गया ना, फिर कटा देते हैं 45 दूना 28 है, तो ऊपर 45 और क्या बच रहा है, 7 अब बटे में क्या बचा है 8। हम कटाने वाला काम इसमें नहीं करते हैं, समझा दिए कैसे कैसे कटाना है, आप लोग इसे क्या करेंगे कटा लेंगे, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, उस समय भी कटा देंगे। समझ पाए ना कहाँ से कहाँ कटाएंगे, एक बार और बता दें तो ठीक है। तो 45 × 7, जब 45 में 7 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 7 × 5 = 35 के हासिल, और 7 × 4 = 28 और 3 तो कितना आ गया, अब बटा में 8, तो 315/8 डिग्री हमारा आंसर हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसी टाइप से इसके सवाल नंबर 2 को क्या दिया है, -4, तो -4 का अगर डिग्री माप निकालना है तो उसमें भी किससे गुणा कर देंगे, 180 डिग्री / π से, फिर पाई का मान कितना रख देंगे 22/8, और डबल बटा में साथ है कहाँ चला जाएगा, इतना समझ में आ गया है ना। अब इसमें कटा देंगे, कटाने के लिए अपना देख लेना, जैसे कि मान लीजिए 2 × 2 = 11 × 2 = 22, तो ऊपर बचा 2 = 180 और 7, उसको लिख दिए हैं यहाँ पे, अब बटा में क्या है 11, अब ऊपर वाला में गुणा कर दीजिए 2 × 7 = 14, 14 में गुणा करेंगे 180 से, तो आएगा 2520 डिग्री, कितना आएगा 2520/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 7 × 2 = 14 में गुणा कर दीजिए 180 से, 0 को हटा दीजिए, केवल 0 यहाँ पे लगा दीजिए, 18 × 72 का कितना होता है 2, हर्षिल 7 होता है, 18 × 18 = 7 कितना आ गया 2520 नहीं आ गया, आ इसमें माइनस है, ये माइनस लगा है तो आगवा क्या लग जाएगा, तो कोई दिक्कत है इसमें, इस टाइप से डिग्री निकल जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा है फिर से, अगर पाई में देगा ना तो बड़ा ही इजी हो जाता है बनाना, जैसे 5π/3 का डिग्री माप, इसका अगर डिग्री माप निकालना है तो 5π/3 सब किससे गुणा कर दिए 180/π से, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्ट पाई से पाई को कटा देंगे, पाई से पाई को क्या करेंगे, और 3 से ये कट जाएगा 3 × 6 = 60, और 60 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री। समझ गए, अगर मान लीजिए 7π/6 है तो पाई से पाई क्या होगा, आइए 6 × 3, और 30 में 7 से गुणा करेंगे तो 210 डिग्री, निकल गए डायरेक्ट। ये इजी होता है किसमें जो पाई से पाई दिया हो, ताकि पाई से पाई क्या हो जाता है, तो मान लीजिए अगर पाई 9 भी दिया हो तो भी तो बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया, चलिए इसको उतार लीजिए। कटाने वाला अपना कटाइएगा, ठीक है ना। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है ये 3 नंबर, कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है। पहिया मतलब किसी गाड़ी का चक्का देखे है ना, उसको पहिया बोलते हैं। पहिया कैसे घूमता है, गोल गोल घूमता है, 1 मिनट में 360 डिग्री बनाता है। 1 मिनट में कितना बनाता है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है ना। तो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसका अर्थ हुआ मतलब कहने का अर्थ है कि पहिया जो है वो 60 सेकंड में कितना देर में 60 सेकंड में एक बार चक्कर लगाता है और 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, तो बताना है कि 1 सेकंड में कितना कोण
बनाएगा, कितने सेकंड में, एक सेकंड में। तो देखिए, चूंकि एक मिनट में पहिए द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है, तो एक सेकंड में पहिए द्वारा बनाया गया कोण कितना सेकंड में, हम 360 में क्या करें, किसे भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि एक मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो जीरो से जीरो, अच्छा अच्छा एक, तो कितना डिग्री, यानी एक सेकंड में 36 डिग्री कोण बनाएगा, तो 60 सेकंड में 360 डिग्री कोण बनाएगा। पूछ रहा है एक सेकंड में कोण, वो भी रेडियन में, किससे, रेडियन में। तो एक सेकंड में कोण बनाएगा 6 × 2π, 2π का अर्थ हुआ ना कि 2 × 180 डिग्री, 2 × 180। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, चलिए आपको उसी लैंग्वेज में समझा देते हैं। जैसे आपने पहला सवाल बनाया कि डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को, तो आपने गुणा किया था, किससे गुणा किया था, पाई बटा 180 से किए थे ना। तो मान लीजिए 6 डिग्री है, आ इसको किससे गुणा कर देंगे, पाई बटा 100 कटाएंगे, तो 6 × 3 30 आएगा ना, आए, और आपका इस तरीके का हम प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि 6 डिग्री एक सेकंड में बना रहा है, कितना डिग्री, 6 डिग्री, और हमें पहिए का निकालना है। तो पहिया जितना बार चक्का लगाया गया तितना बार 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमने यहाँ पे 2π से गुणा इसलिए किया है कि 2π का अर्थ होता है 2 × 2 = 1, पाई का मान कितना होता है, तो 180 दुना 360, इसका अर्थ है कि हमने 6 से किस में गुणा किया है, 360 में, क्योंकि पहिया कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 360 डिग्री का। तो 6 से जब 2π में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12π, 6 × 2π बराबर 12π रेडियन, रेडियन में निकालना है। नहीं तो यहाँ पे हम गुणा करते 360 से, किसे गुणा करते, 360 से, तो 360 से करते तो ये डिग्री में आता, किस में आता है, और सवाल किस में मांग रहा है, सवाल का नहीं, रेडियन में निकाली। तो रेडियन में निकालने के लिए हम उसे पाई के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, 360 को पाई में। तो 6 तो आपका आ ही रहा है, 6 डिग्री है ना आपका, एक सेकंड में कितना डिग्री आ रहा है, 6 डिग्री, तो 360 को अगर पाई में बदलेंगे तो हम क्या लिख देंगे, 2π, पाई का मान कितना होता है, 180, 180 में 2 से गुणा करेंगे तो 300, तो 360 लिख दो चाहे 2π लिख दो, बात एक ही है। लेकिन 2π इसलिए लिखेंगे इसे रेडियन में दिखाना है, और रेडियन जैसे कहने का अर्थ है ना कि ये 2 कहीं से आ नहीं रहा, 2π है, क्या है, 2π है। तो पाई अगर केवल रखोगे ना तो कितना होगा, 180, और सवाल में आपका कह रहा है कितना डिग्री चक्कर लगा रहा है, 360। तो 360 को हम 2 से गुणा करेंगे तभी ना, 180 में गुणा करेंगे 2 से तभी ना आएगा 360, तो पाई तो हो गया 180 और 2 से गुणा कर दिया 360, और उसी 2π से हमने 6 में गुणा कर दिया, तो 6 × 2 = 12π। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल इस चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा, इसको उतार लीजिए।